ग्रंथ साहिब जी में ना इसी ये जो वाणी उन्होंने गुरु कबीर जी ने बताई, कबीर जी ने दी, तो ये वाणी में आगे जाके ना वो एक बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं जिससे हमें कुछ सीखना है। क्या वो कह रहे हैं? कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को जी जप्यो सृजनहार। अब ये मतलब समझना, भगत कबीर जी थे ना वो छोटी जाति के थे, सिखिज्म में जात पात नहीं है, ठीक है, वैसे भी जात पात नहीं है, हम सब इंसान हैं, वी आर वन ह्यूमन रेस, ठीक है, मानस की जात सब एक है, पहचान को वो गुरु महाराज ने ज्ञान देते हैं हमें, ठीक है, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन ह्यूमन रेस। तो भगत कबीर जी ना छोटी जात के थे, जो लोग कहते थे कि आप छोटी जात के हो तो उन्हें छोटी जात का माना जाता था, छोटी जात की वजह से उन्होंने बहुत सारे दुख भी दिए लोगों ने, स्ट्रगल दिया उन्होंने दुख दिए, उन्होंने पेन दिए, सब ना उन पर हंसते थे कि तू छोटी जात का। जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, सिकंदर लोधी उनके पैरों पर आकर गिर गया, तो उन्होंने कहा कि कबीर मेरी जात को सब लोग को हंसने हार, मेरी जात पर सब हंसते थे, पर हुआ क्या, बलिहारी इस जात को, मैं इस जात पर बलिहार जाता हूं जी जप्यो सृजनहार। मतलब देखो लोगों ने इतना परेशान किया, उन्होंने ना दुख दिया कि वो दुख उन्होंने का बेस बना नाम जपने का, कोई था ही नहीं ना उनके साथ, सब उन्होंने पर हंसते थे, उन्होंने सपोर्ट किसका लिया, वाहिगुरु जी का, नाम सिमरन किया। तो वो कहते हैं कि मैं बलिहारी जाता हूं उस जात को, उस जात पर बलिहार जाता हूं मैं कि जिसकी वजह से मैंने नाम जपना शुरू किया। अब ये ना कॉन्सेप्ट है, ये गुरु महाराज समझाते हैं कि जो दुख होता है ना वो अच्छा है, जो सुख है ना वो अच्छा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं दुख दारू सुख रोग पया, ये गुरु महाराज वाणी में समझाते हैं, दुख दारू है और सुख को रोग कहा गया। होता है ना जब हम सुखी होते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, नहीं करते ना, जब हम दुखी होते हैं तो वाहिगुरु जी मत्था भी टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो दुख है ना उनों के लिए, ये जो छोटी जात लोगों पर हंसते थे ना, वो उनों का जो दुख था वो उनों के लिए वो बना, ठीक है। बट यहां से हमने ये नहीं सीख लेनी कि वो जात अच्छी है, जात तो है नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा बलिहारी जाऊं उस दुख को, उस जात को, उन्होंने कहा कि बलिहारी जाऊं उस जात को जिसकी वजह से मैंने नाम जपना शुरू कर दिया और आज मेरे को ये हो रहा है कि जो सिकंदर लोधी सबसे बड़ा बादशाह वो मेरे पैरों में आके गिर गया। तो जो दुख होते हैं ना प्यारे हो, वो बड़े जरूरी होते हैं हमारी लाइफ में एक तरह से, क्योंकि दुख नहीं है ना तो परमात्मा आएगा ही, हमें याद नहीं आएगा परमात्मा, हम आएंगे नहीं गुरुद्वारे, मॉस्क नहीं जाएंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम ज्ञान सीख नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं कि हमें दुख है, हमारा कुछ कर दो, हमारा दुख कैसे जाएगा। तो कोई गुरु का प्यारा होता है, कोई वाहिगुरु का प्यारा होता है जो बता देता है, नाम सिमरन जपले, कह नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, तो राम नाम जिसने गाया वो सुखी हो जाएगा। वही है कि जितना गुरु महाराज यू नो जितना हमें हम पर मेहर करते, जितना हम नाम सिमरन जप लेंगे ना यार, मतलब हम यो तर जाएंगे। गुरु महाराज ना वाणी में बड़ा प्यारा समझाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं नाम बिना सब दुनिया शार, शार पता है क्या अर्थ होता है इसका, शार का अर्थ होता है एशेस, राख। नाम के बिना ना ये जो दुनिया है ना वो पूरी पूरी राख है। तो अगर हमें मानव जन्म मिला है तो यार नाम सिमरन करें, गुरु महाराज की मेहर से हम लोग यही है कि उनसे मांगे नाम, कि वाहिगुरु जी नाम दे दो, अल्लाह राम वाहिगुरु अकाल पुरख नाम दे दो यार, नाम दे दो, आत्म रस दे दो, ब्लिस दे दो अंदर का, इतना नाम दे दो कि मेरे अंदर ना वो शांति आ जाए, वो आत्म रस आ जाए, एक बारी वो आ गया ना तो हम तर गए। तो हमें दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें छू भी सके। आप देखा करो जो जो गुरुमुख प्यारे होते हैं, जो बहुत भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने देखा करो, कभी उनसे पूछोगे ना आपका हाल क्या है, उन्होंने मुझसे ये नहीं आएगा ये दुख है, ये दुख है, ये चिंताएं, ये हमेशा वो कहेंगे चढ़दी कला, हमेशा वो कहेंगे बहुत सुखी हैं, बड़ा वाहिगुरु जी ने बड़ा सुखी रखा है, अकाल पुरख राम ने बड़ा सुखी रखा है हमें, जबकि चाहे उनके घर पे जितने मर्जी इशू हो। ये ताकत होती है नाम सिमरन की। यही जो इंसान नाम सिमरन नहीं जपता, मेडिटेशन नहीं करता, उस वाहिगुरु अल्लाह पुरख के गुण गुण नहीं गाता, आप देखा करो, आप उनसे बात करो कहीं ना कहीं दुख शेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दुख लगता है, टच होता है, उन्हें पेन होती है उस दुख से। जो गुरुमुख प्यारे होते हैं, जो वाहिगुरु जी जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उन्हों को दुख महसूस ही नहीं होता।
यार ये ताकत है, ये ताकत महसूस की ही आती है, ताकत देख कर नहीं आएगी, ये ताकत जब हम विचार करेंगे, फिर खुद से नाम सिमरन करेंगे, सुबह उठेंगे जल्दी अमृत वेला मॉर्निंग खुद महसूस करेंगे अपने अंदर, तो हमें वो पता चलेगा कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, ये होती है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हम जब नाम सिमरन को अपनी लाइफ में करेंगे ही नहीं, नाम सिमरन करेंगे ही नहीं, तो हम फिर वही हम रह जाएंगे ना, डमाडोल ही रह जाएंगे ना, कि पता नहीं ऐसा होता भी, पता नहीं परलोक होता भी है, पता नहीं मैजिकल चीज़ें होती नहीं होती, होती हैं यार मैजिकल चीज़ें होती हैं, करो खुद से करके, खुद से ट्राई करो। और जो मैंने आपको मोबाइल वाली बात बताई थी ना कि मोबाइल से लाइट निकलने लगी, वो जो सज्जन ने मेरे साथ लास्ट वीक ही शेयर की है, उनको एक हफ्ता हुआ नाम सिमरन करते हुए, पर मैंने देखा है कि वो ना बहुत सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं, अंदर अगर सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हम नाम सिमरन कर रहे हैं ना, तो वाहेगुरु जी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे गुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिए हैं, तो कोशिश हम ये करें कि अब हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको लेके आए और फिर देखें, फिर ज़िंदगी का मज़ा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त। टेंशनें चिंताएँ सब मर जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी।